everyone. So today we are going to start a new chapter, Fiber to Fabric. So let's get started. See, you might have observed something similar when you tried to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो फाइबर्स हम किसे कहते हैं कि जब भी हम नीडल के अंदर धागे को डालने का ट्राई करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा धागा है वो सुई के अंदर ठीक से नहीं जाता है, तो वहां से और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थीन होते हैं. तो वो थीन स्ट्रक्चर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं. फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड द यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. क्या होता है कि फाइबर में से यार्न बनते हैं. यहाँ पे देखिए, आपको बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. सी, फ्रॉम प्लांट वी गॉट जूट एंड कॉटन एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट सिल्क एंड वूल. सो jute and cotton is a plant fiber and silk and wool is a animal fibers. So these are called natural fibers. Wool is obtained from fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoons of silkworms. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. Thousand years पहले क्या होता था कि सिर्फ ये natural fibers ही थे जिसमें से fabric बनाया जाता था, जैसे कि animals में से और plant में से जो चीजें मिलती थी, wool, jute और cotton में से, तो वो direct वो चीज का use करके बाद में fabric बनाते थे. But now, 100 years or so, fibers are also made for chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. ऐसे अभी जो 100 years पहले से अभी ये जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आया है तो क्या हुआ है कि हम प्लांट और एनिमल के अलावा भी एक फाइबर्स का यूज करते हैं जिसमें से फैब्रिक बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक.